फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके एक्सरसाइज 6 चैप्टर के एक्सरसाइज की कंप्लीट की थी और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन एक प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको अपन नोट करेंगे और क्या चीज होती है इसके बारे में अपन समझेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन भी नोट करना है तो कर सकते हैं अपन। क्या है When a number is written in a product of एक प्राइम नंबर फैक्टर प्राइम नंबर फैक्टर ओनली देन इट कॉल प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या है इसकी लैंग्वेज व्हेन ए नंबर कोई का आपको नंबर होंगे रिटर्न ए प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीपल होगा एक प्राइम फैक्टर। जैसे हमने प्राइम फैक्टर के और प्राइम नंबर के भी होंगे ओनली देन इट इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन आपके टू टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? एक टू टाइप में अपन जिसके आपकी बुक में दे रखा है टू टाइप में, यानी एक तो लॉन्ग डिविजन मेथड है मतलब डिविजन से डिवाइड से अपन करेंगे और एक मेथड आपके कौन सा ट्री मेथड। ओके, तो फर्स्ट मेथड अपन करने जा रहे हैं ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना। ओके, टू मेथड है और टू मेथड में से फर्स्ट आपके थ्री प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टर फर्स्ट मेथड हो जाएगा फैक्टर सेपरेट ट्री मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा? फैक्टर ट्री मेथड। ये कैसा होता है इसमें लैंग्वेज नॉट नहीं चाहिए, इसमें अपन को क्या करना है एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। कोई भी अपन एक नंबर लेते हैं, जैसे नंबर कोई भी लेते थे, मैंने नंबर ले लिया आपकी बुक की नंबर ले लिया तो एग्जाम्पल 36 ले लिया एग्जाम्पल इसका 36 नंबर से और इसको अपन को कैसे प्राइम फैक्टर करना है ट्री मेथड से करना है। कौन से मेथड से? ट्री मेथड से। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 36 नोट कर दिए आप ऐसे टोटल बना देना सर्किल और फिर 36 के टू ये वाले कौन से 18 18 को इतने टाइम मल्टीपल कराने से और टू टाइम मल्टीपल 82 से कितना हो जाएंगे 82 से 36 हो जाएंगे। ओके, फिर 18 का भी टू क्लियर हो रहे हैं कैसे 18 को इससे 9 और 2 से मल्टीपल कराएंगे कितना आ जाएंगे 9 और 2 को मल्टीपल कराएंगे तो 18 आ जाएगी वापस 9 के भी पेयर बन गए 2 सर्किल के अंदर हो जाएगी जैसे 1 तो ये सर्किल और सेकंड सर्किल के अंदर 3 और 3 3 3 से कितना हो जाएंगे 9। ओके, फिर 9 और 2 को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएंगे 18 और 2 को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएंगे 36। ये आपके मेथड हो गया कौन सा ट्री मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? ट्री मेथड हो गया। ओके, अब इसमें से आपको क्या करना है आपके इसके 36 के फैक्टर नोट करोगे तो कैसे करोगे 36 इक्वल में ये वाले नंबर नहीं लेने आपको कौन से ये 18 और 9 नहीं लेने जो लास्ट नंबर आते हैं जैसे ये 2 फिर वापस ये 2
आपके थ्री और लास्ट ईयर आपके क्या है थ्री, वो नंबर लेने आपको जिसके आगे फैक्टर नहीं होता है। अब देखो 18 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 18 का फैक्टर हो गया 2 और 9, फिर अपन 9 को नहीं इसके अंदर ले रहे, क्यों कि 9 का भी फैक्टर हो गया 3 एंड 3, 2 का फैक्टर नहीं किया, 2 का भी फैक्टर नहीं किया और इस 3 का भी फैक्टर नहीं किया और इस 3 का भी फैक्टर नहीं किया, तो 36 के इक्वल में 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। ओके नोट कीजिए, थर्टी सिक्स का एग्जाम्पल लेके अपन एक डिविजन मेथड से फैक्टर करेंगे। किससे? डिविजन मेथड से फैक्टर, एक नंबर सेम लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ऐसे कब करते हैं ये? सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपको समझेंगे, सेम एग्जाम्पल लेके सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इनको कैसे करना है, इनको थ्री स्टेप में नहीं करना है, इनको डिवाइड के डिवीजन सर्टिफिकेट प्लॉट करेंगे और ऐसे एक लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे लाइन बनाते हैं। अब ये आपको देखना 36 कैसे इवन नंबर है या ऑड नंबर, जैसे नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं आपके, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा 18 टाइम। ओके फिर नेक्स्ट 18 भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कितने टाइम हो रहे हैं 2 से डिवाइड 9 टाइम। अब 9 आपके कैसे हैं? ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 के आफ्टर में 3, फिर 3 से 9 डिवाइड हो रहा है। ओके तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हो रहा है 3 टाइम। अब 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से कितने टाइम 1 टाइम। ओके ये हो गए आपके डिवीजन मेथड से। अब अपन 36 को कैसे नोट करेंगे, 36 इक्वल में कौन कौन से आपको लेने, ये वाले साइड लेने हैं। ओके ये साइड, ये वाला साइड नहीं लेने आपको, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। ओके नोट कीजिए, नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज बी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बी किसका नंबर फर्स्ट एक्सेल डी का, इसके अंदर आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन है क्या देने का, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। किस फैक्टर मेथड से करना है? ट्री मेथड से करना है। फिर आपको नंबर देने के हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और मैं केवल मेथड यूज कौन सा यूज मेथड करना बोल देता हूँ, नॉट करना यूजिंग कंप्लीट क्वेश्चन आप सेल्फ नॉट करना, यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड, कौन से मेथड से? ट्री मेथड से। और फर्स्ट आपको इसके अंदर नंबर है 44, कितने 44 को ट्री मेथड से सॉल्व करना है। ओके सॉल्व करते हैं,
44 सर्किल के अंदर नॉट कर देंगे, फिर इसके टू पेयर बनाएंगे, कौन सा बन जाएगा, 1 to 2 और 2 और 22, 2 और 22 को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएंगे, 44 आ जाएंगे, फिर वापस नेक्स्ट 22 के टू पेयर बन जाएंगे कैसे, 1 तो 11 हो जाएगा और सेकेंड 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 11 के कोई भी पेयर नहीं बनते, केवल 11 ही रहता है, किसी नंबर से 2 और 2 नंबर है उनका 11 फैक्टर नहीं होता है, 11 का फैक्टर नहीं होगा 2 नंबर के अंदर, ओके, तो 11 का 11 नहीं रहेगा। अब इसको अपन 44 नॉट करेंगे कैसे, फैक्टर के रूप में 2 फिर सेकेंड 2 फिर 11, ओके, यदि 11 के फैक्टर होते तो अपन 11 को और फैक्टर करते और 11 के फैक्टर नहीं होते तो क्या हो जाएगा, 44 को नॉट कैसे करेंगे, 2 क्रॉस या 2 मल्टीपल 11, ओके, नॉट कीजिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके 54, डी किस्म है अच्छा, डी नंबर में आपको नंबर दे देंगे 54, ओके, इसका प्राइम फैक्टर करना है और जिससे सेम मेथड से, तो 2 इवन नंबर है तो 2 से हो जाएंगे 2 और इसे वापस 2 को किससे मल्टीपल करोगे 27 से, ओके, फिर 27 को किससे मल्टीपल करना होगा 3 और 9 से, 3 और 9 को मल्टीपल करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 9 को किससे करना होगा 3 और 3 क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, फिर 9 और 3 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 27, 27 और 2 को मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 54, तो इनको अपन कैसे नोट कर सकते हैं, 54 इक्वल टू ये वाला नंबर लेना आपको जिसको सेकंड नहीं होने के 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 और मल्टीपल 3, ओके, नोट कीजिए, ये आपके आंसर है। नेक्स्ट है आपके सी, सी नंबर क्वेश्चन है आपके 64, ये आप क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है, ओके, 64 का सी मेथड से फैक्टर करना है वो आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है, नोट कीजिए ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 32 का थ्री मेथड से करना सॉल्व, क्वेश्चन नंबर डी और 32 नंबर है, 32 को फैक्टर क्या करके इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 और 36, ओके, फिर वापस 2 मल्टीपल 36 32 हो जाएंगे, 36 से अभी हमने किया भी था एग्जाम्पल फ्रॉम तो वही से वापस 80 क्रॉस 2 फिर 18 का 2 क्रॉस 9 फिर वापस 9 का 3 और 3 यही होंगे या आपके कंप्लीट हो गया, तो 32 में कौन सा फैक्टर आ जाएगा थ्री मेथड से, 32 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ओके, कैसे नोट करेंगे, 32 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई
टू मल्टीप्लाई टू कितने टाइम, थ्री टाइम, और फिर थ्री फोर टाइम मल्टीप्लाई। ओके और कीजिए आपके आंसर आ गए 72 के भी। आपके ई के अंदर ले लीजिए 100 कॉल, ई के अंदर आपकी क्वेश्चन है उसका करना है 100 कॉल का साइकिल इस मेथड से कॉल करते हैं। टू दस कितना हो जाएंगे 52, 52 का भी 2 क्रॉस कितना हो जाएंगे 26, 26 का भी 2 क्रॉस कितना हो जाएंगे 13। ओके 13 का भी नेक्स्ट कॉल फैक्टर के और है। ओके तो क्या आंसर हो गया आपके, ठीक करना होता तो वापस देख लेते हैं। 13 और 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 54, 52, 52 और 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 104। ओके नोट कीजिए 104 इक्वल हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मल्टीपल 13। ओके नोट कीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 120, हो जाएंगे 2 और कितने टाइम हो जाएंगे इसका मल्टीपल 50, वापस 50 को मल्टीपल करेंगे कितने 2 क्रॉस 30, फिर 30 को 2 टाइम मल्टीपल करेंगे 2 मल्टीपल 50। ओके 50 को 2 और मल्टीपल करेंगे 3 और 5। ओके तो कितना हो जाएंगे 3 5 15 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे 30, 30 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 60 और 60 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 120। ओके तो इनको 120 को जैसे नोट कर सकते हैं अपन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितने टाइम 3 टाइम और 3 1 टाइम और 5 3 1 टाइम नोट कीजिए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डी, डी के अंदर डी का 150 इसका आपको सेल्फ होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। ओके 150 का होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एच कौन सा है, एच एच के अंदर देखिए 200 का दे देना आपको फैक्टर करना है थ्री मैथड के अंदर तो 200 टू मल्टीपल 100। ओके फिर 100 का 2 मल्टीपल 50, 50 का 2 मल्टीपल 25, 25 का 2
फाइव मल्टीपल फाइव, ओके ये हो जाएगा आपके फाइव मल्टीपल फाइव कितना हो जाएंगे 25, 25 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएंगे 50, 50 को 2 से मल्टीपल करेंगे 100, 100 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 200, तो आप कितने आंसर आ जाएगा 200 इक्वल में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 दे कितने टाइम 2 है 3 टाइम ये 5 मल्टीपल 5, 5 और 5 का मल्टीपल कितना हो जाएंगे 25 को 8 से मल्टीपल 200 हो जाएंगे। ओके नोट कीजिए, अब आपको मैं कुछ चीज तो नॉर्मल के लिए और ऐसे दे रहा हूँ वो ही आपको 3 मेथड से यूज करना है और उनके सॉल्व करना है। नोट कर लेना होमवर्क के लिए, मेथड पे यूज करना है और होमवर्क के लिए एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट नंबर अस्किन 72 का करना है, 72 का करना है, 70 का करना है, सेकेंड है 38 का करना है और थर्ड है आपके 24 का करना है और फोर्थ है आपके फोर्थ नंबर है 48 का करना है। ओके ये आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके okay?